The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. किसी भी बच्चे के लिए उसके माता पिता का साथ बहुत ही अनमोल तोहफा होता है। जरा सोचिए जब मासूमों से उनके इस अनमोल तोहफे को छीन लिया जाए तो उन पर क्या गुजरेगी। बेटी के जन्मदिन का दिन था जब एक साल की बच्ची के सिर से पिता का साया उठ गया। दरअसल यह मामला है रीवा जिले का, जहां तीन मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। मासूम में एक 7 साल का बेटा, वहीं एक 2 साल का बेटा और एक साल की बेटी है। बेटी के जन्मदिन के दिन पिता की ट्रक से कुचलकर हत्या की गई है। मासूमों के पिता को ड्राइवर ने ट्रक चढ़ाकर मार डाला। शुरुआत में इसे सड़क हादसा माना जा रहा था, लेकिन घटना के दूसरे दिन यानी गुरुवार को देर शाम पता चला कि इससे पहले तक पुलिस और परिजन जिसे हादसा मान रहे थे वह हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। गौरतलब है कि गोविंदगढ़ थाने से 1 किलोमीटर दूर सिमरिया गांव लौट रहे रामजी कुशवाहा को ट्रक ने पहले टक्कर मारी, फिर ट्रांसफार्मर से टकरा गया। रामजी कुशवाहा का शव ट्रक और बाइक में बुरी तरह फंस गया था। शव को टुकड़ों में इकट्ठा किया गया। परिजन और गांव के लोग रीवा गोविंदगढ़ रोड पर धरने पर बैठ गए थे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से सभी को समझाया था। वहीं रामजी कुशवाहा के दोस्त रजनीश साकेत ने पुलिस को बताया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। दरअसल रामजी कुशवाहा के दोस्त रजनीश साकेत ट्रक ड्राइवर हैं। बुधवार को रजनीश के ट्रक और आरोपी अनिल बैरागी के ट्रक में मामूली टक्कर हो गई थी। दोनों झगड़ रहे थे, इतने में यहाँ से रामजी का गुजरना हुआ। रजनीश ने आवाज़ देकर रामजी को बुलाया। रामजी की भी आरोपी अनिल बैरागी से बहस हो गई। इसके बाद सभी अपने अपने रास्ते निकल गए। रजनीश के मुताबिक इसके आधे घंटे बाद आरोपी अनिल ने रामजी पर ट्रक चढ़ाकर हत्या कर दी। घटना वाले दिन डर की वजह से उसने इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं दी। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि आरोपी अनिल बैरागी रीवा से धनपुरी शहडोल जा रहा था। जांच में पता चला कि गोविंदगढ़ में हुए झगड़े के बाद वह अपना ट्रक लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन बीच रास्ते से ट्रक मोड़कर वापस आया। रामजी घर लौट रहा था तभी उस पर ट्रक चढ़ा दिया। आरोपी ट्रक चालक गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। ये थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत कल शाम के लगभग 6 बजे के आसपास एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई डायल 100 के माध्यम से, जिसमें मौके पर जाकर तफ्तीश की गई तो यह जानकारी आई कि एक अनिल बैरागी नाम का व्यक्ति धनपुरी जिला शहडोल का रहने वाला है। ये अपनी गाड़ी MP18GA 3496 को लेकर रीवा से शहडोल जा रहा था और एक अन्य ट्रक जिसका नंबर NL01AB3111 ये बगवार से रीवा जा रहा था। इन दोनों ट्रक वालों का ड्राइवर्स का आपस में कुछ विवाद हुआ छोटा मोटा। इस विवाद के बाद फिर जो अनिल गाड़ी में जो था रजनीश साकेत, इसने अपने भाई फ़ोन करके कुछ लोगों को बुलाया अमिलकी के पास, और वो जो ट्रक था धनपुरी वाला जो इसमें ड्राइवर था वो भी शहडोल ना जाके वापस रीवा तरफ ही आने लगा, क्योंकि इनका विवाद हुआ था। और जब अनिल गाड़ी वाले ने अपने कुछ रजनीश साकेत ने फ़ोन करके कुछ लोगों को बुलाया वहाँ पर, तो अमिलकी के पास में आकर एक रामजी कुशवाहा और रजनीश का भाई ये जो है मौके पर गाड़ी को रोकने के लिए, चूँकि वो गाड़ी शहडोल ना जाकर रीवा आ रही थी, अमिलकी के पास ये दोनों लड़के गाड़ी को रोकने का प्रयास किए और गाड़ी लगभग आगे टिकाकर हाथ देने लगे। तो MP18GA 3496 का चालक अनिल बैरागी वो जो है आवेश पूर्वक, चूँकि उनका पुराना विवाद हुआ था, ये लोग गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तो आवेश में गाड़ी ना रोकते हुए और जानबूझकर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें रजनीश का जो भाई था उसकी मौके पर मौत हो गई। ये पूरा घटनाक्रम आपस में इनके विवाद के बाद और आवेश में आकर ट्रक वाले ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया। विवाद का कारण क्या? एक छोटा मोटा विवाद था इनका, कुछ उसमें स्पष्ट चीज़ें नहीं आई हैं, उसके बाद ही ये पूरी घटना हुई है। आरोपी गिरफ्तार है, उसको जो है न्यायालय में पेश किया जा रहा है और FSL से भी हम पूरे घटना स्थल का मुआयना करा रहे हैं। लगभग 15 फीट अंदर जाकर उसने गाड़ी चढ़ाई थी, ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से डैमेज है
ये सब जानते हुए कि इससे उसको ऐसी घटना करने से मौत होगी, सब जानते हुए ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर संबंधित व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। द माया इंटरनेशनल स्कूल एम्स टू ब्रिंग होलिस्टिक लर्निंग एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी फोकस ऑन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सिलेबस एंड सेंट्रिक स्किल डेवलपमेंट इन द क्लासरूम एनवायरमेंट। न्यू कैंपस एट द्वारिका नगर इन फ्रंट ऑफ ग्रीनलैंड मैरिज गार्डन।